Hello everyone, welcome back to my channel। दोस्तों, आप सबने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ब्रेड को कट करने के बाद बहुत सारे ब्रेड के टुकड़े बच गए थे और आज मैं उसी बचे हुए ब्रेड के टुकड़े से एक डिफरेंट स्टाइल चीज ब्रेड पकौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चीज ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मेरे लास्ट रेसिपी के बचे हुए ब्रेड के टुकड़े। आप इसके बदले 4 से 5 ब्रेड स्लाइस ले सकते हो। 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़े से चीज क्यूब और फ्राइंग के लिए 1/2 कप रिफाइंड ऑयल और चाहिए 2 मीडियम साइज बॉईल किए हुए आलू, नमक अपने स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 कप सोया ग्रैन्यूल, आप इसके बदले ब्रेड क्रंच भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ब्रेड के टुकड़े में 1 कप पानी डाल देंगे और इसको हल्के से प्रेस कर लेंगे और सोक कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड को इमीडिएटली स्क्वीज कर लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम इसको बॉईल किए हुए आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले हम इसके साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और बेसन। अब इन सारे चीजों को एक साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड और आलू के मिक्सचर से एक फ्लैट शेप बॉल बनाएंगे। और उसके बीच में हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज क्यूब। सेम प्रोसेस में हम बाकी सारे बॉल्स को भी बना लेंगे। अब हम इन फ्लैट शेप बॉल्स को कॉर्नफ्लोर और पानी के मिक्सचर में डुबाएंगे और इमीडिएटली इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसको डिप करेंगे सोया ग्रैनुल्स में। ग्रैनुल्स को हम ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। सेम प्रोसेस में हम बाकी सारे बॉल्स को भी रेडी कर लेंगे। Thank you.
बॉल्स को रेडी करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप रिफाइंड ऑयल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे फ्लैट शेप बॉल्स को। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो चुका है टेस्टी चीज़ ब्रेड पकौड़े। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और सर्व करने के टाइम ऊपर से थोड़ा सा चॉप धनिया पत्ता स्प्रेड कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।